भारत का रिफाइंड पाम तेल का आयात 11 महीने में 2.7 गुना हुआ। दरअसल इंडोनेशिया में कीमतें घटने का असर दिखाई दिया है। आपको बता दें कि भारत का रिफाइंड पाम तेल बढ़कर 17.12 लाख टन हो गया है, यानी 17,12,000 टन पर पहुंच गया है। उद्योग संगठन सी ने कल कहा है कि इंडोनेशिया में कीमतें घटने से आयात को बल मिला है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि देश ने एक साल पहले की समान अवधि में 6,28,000 टन रिफाइंड पाम तेल का आयात किया था। आपको बता दें कि तेल वर्ष नवंबर से अक्टूबर तक देखने को मिलता है। दुनिया के प्रमुख वनस्पति तेल खरीदार भारत का वनस्पति तेलों का आयात वित्त वर्ष 2021-22 की नवंबर सितंबर अवधि के दौरान 4% बढ़कर 130,01,000 टन पर पहुंच गया है। सी के मुताबिक इंडोनेशिया ने कच्चे पाम तेल पर शुल्क को 3 महीने पहले तक अधिक रखते हुए रिफाइंड पाम तेल पर सीमा था। इससे इंडोनेशियाई निर्यातक रियायती दरों पर रिफाइंड पाम तेल का निर्यात कर पाए, जिससे अगस्त सितंबर में भारत के आरबीजी पामोलिन के आयात में तेजी से वृद्धि देखने को मिली। हालांकि इस अवधि के दौरान देश का सीपीओ का आयात घटकर 52,37,000 टन पर रह गया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 68,64,000 टन था। वहीं कुल पाम तेल का आयात नवंबर सितंबर के दौरान घटकर 70,28,000 टन पर पहुंच गया है। एक साल पहले की समान अवधि में ये 76,27,000 टन था। सी के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर सितंबर के दौरान सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे हल्के तेलों का आयात बढ़ा है और ये बढ़कर 56,35,000 टन पर पहुंच गया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद भारत ने अगस्त महीने में रिकॉर्ड पाम ऑयल का आयात किया। जुलाई महीने के मुकाबले अगस्त 2022 में पाम ऑयल के आयात में 87% का उछाल आया, जो कि 11 महीने में सबसे अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल के दाम एक साल के निचले स्तर पर आ चुके हैं। भारत दुनिया के बड़े पाम ऑयल के आयातक देशों में शामिल है। इससे जहां देश में खाने के तेल में कमी लाने में मदद मिलेगी, वहीं सबसे बड़े उत्पादक देश इंडोनेशिया को इन्वेंट्री घटाने में भी मदद मिलेगी। और वहीं विदेशी बाजारों में मंदी का असर सभी कमोडिटीज के दामों पर पड़ रहा है, जिसमें खाने के तेल के दाम भी शामिल हैं। विदेशी बाजारों में गिरावट के बाद स्थानीय बाजारों में तेल तिलहन के दामों पर भी असर आता दिखाई दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाने के तेल के दामों में गिरावट आई है। पाम ऑयल के दाम एक साल के निचले स्तरों पर जा लुढ़के हैं। विदेशी मंदी की आहट के चलते सोयाबीन, सीपीओ, पामोलिन और सूरजमुखी की कीमतें लगभग आधे से भी कम हो गई हैं। दूसरी ओर सोयाबीन की नई फसल की छुटपुट आवक भी शुरू हो गई है, जिससे कि आगे चलकर कीमतों पर असर पड़ता दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।